75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। सरकार आपको 4 किलो अनाज दे दे कि अयोध्या में मंदिर बनवा दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। ये तो सब काम सरकार करिए रहा है, सड़क तो बनवाइए दिया, बिजली आ गया, सिलेंडर मिल गया, शौचालय मिल गया, 4 किलो अनाज दे रहा है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का उपाय हो जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से आपको आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको घर घर महिलाओं को युवाओं को सरकार कर्ज दे, पूंजी पैसा दे, ताकि हर आदमी कोई न कोई रोजी रोजगार कर सके। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव इस वक्त स्टार्ट है और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसके वजह से उनको बिहार के अंदर एक भी सीट दिया जाए। पिछले 10 सालों में उनको 40 में से 39 सीट दिया गया है बिहार के अंदर, लेकिन गुजरात में जितना डेवलप किया गया है उसका 1% भी बिहार के अंदर नहीं किया गया है डेवलप। एक पुल भी बना था जो कि मुजफ्फरनगर में 700 करोड़ का, वो भी उद्घाटन से पहले ही वो गिर गया पुल। तो बिहार में, गुजरात में और बिहार में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो देख कर आप समझ जाओगे। इतना आप लोग ज्ञानी है, कभी बैठ के बात किए भाई मोदी जी यहाँ बिहार में काम काहे नहीं करते? हम आपको बताते हैं, मोदी जी के साथ 3 वर्ष गुजरात में काम किए। गुजरात में जाइएगा ऐसा बैठक करने तो वहाँ का लोग सबसे पहले गुजराती को और कुछ बुझाए चाहे नहीं, धंधा का बात बुझाता है तो खोजता है भैया मोदी जी फैक्ट्री कब लगेगा, सड़क कब बनेगा, हम लोग का दुकान का बाजार कब होगा, हमारे अनाज का दाम कब मिलेगा, तब आपको वोट देंगे। अब बिहार में हम लोग इतना ज्ञानी हैं, हम लोग कहते हैं मोदी जी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अरे मंदिर एगो बनवाइए दिए, हम लोग को 4 किलो अनाज भीख में दिए रहे हैं, अब क्या चिंता है, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट देंगे। तो गुजरात से जीता है 26 गो MP, बिहार से जीता है 39 गो। गुजरात में विकास हो रहा है और हम लोग 5 किलो भात खाकर सो रहे हैं। हम लोग का बच्चा नहीं मजदूरी करेगा तो किसका बच्चा मजदूरी करेगा? यहाँ के आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं, जात चाहिए और 5 किलो भात चाहिए। जात नेता सब खिलाइए रहा है, अब मोदी जी 4 किलो भात का व्यवस्था करिए दिए, जरूरत क्या है बच्चा के पढ़ाने का, अब फिर कहता है पढ़ाई में। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जागरूक हो चुके हैं बिहार के अंदर कि बिहार में पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक भी मीटिंग नहीं किया बिहार के लिए, और न ही बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री या फिर कोई ऐसा एयरपोर्ट बनवा दिया जिसके वजह से बिहार का विकास हो सके। तो पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, तो जब वोट देने जाए तो इन सारों बातों का ख्याल रखें, ना कि ये 4-5 किलो अनाज में। अगर 4-5 किलो आपको अनाज दिया जा रहा है मतलब आप गरीब है, भिखारी है, निकम्मे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। तो अगर आप वोट देने जाएं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें।